एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जय शंकर। आज के ब्लॉग की शुरुआत फॉरेस्ट रोड से ही हो रही है। आप कहीं के मन में डाउट होगा कि ये बंदा रोज फॉरेस्ट करता गया है। बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा मोटिव यहाँ से जाने का बस ये है कि मुझे चाहिए पीस। सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि आप पागल हो जाओ, आप सांस भी नहीं ले सकते ढंग से। अभी बस में ही बार कम्प्लीटली बेथिंग इन स्वेट। उतारो यार मेरे को, यार मेरे को, मेरे मेरा दिल घबराहट हो रहा है यार। उस्ताद ने डाले में मेरे को चढ़ा दिए तो मेरे को बहुत काफी डर लग रहे थे। और कॉलेज भी वही हाल होते हैं, अच्छा फील नहीं करते लिटरली आप। तो मैं वो बंदा हूँ, मेरे को चाहिए पीस बहुत ज़्यादा। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता, ये मैंने बात बोली क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग बेसिकली अपने गलत कामों के पर्पज से भी आते हैं, होते हैं काफ़ी कम्युनिटी है ऐसी भी, वो डिपेंड करता है। मेरा मोटिव तो यही, बस पीस चाहिए काफ़ी ज़्यादा और अच्छा लगता है यहाँ से जाकर, बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलती है। भाई चेक दोज बोर्ड्स आउट, ये देवदार और बान के पेड़ ना कुछ अलग ही वाइब देते हैं यहाँ पर। अब इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता इस पृथ्वी पर। फॉरेस्ट लिटरली सब कुछ है, इतने ज़्यादा अच्छे, देखो इससे ज़्यादा सुंदर कुछ हो सकता है नहीं, लिटरली नहीं। रह रहे तो किसी चीज़ का एडवांटेज तो उठाएंगे ही, अगर चंडीगढ़ रह रहा होता तो वही कंडीशन हो जाती, मतलब आप उतना ज़्यादा नेचर का फन नहीं ले पाते हो। अब शिमला में हो तो मैं तो लूँगा भाई, लिटरली लूँगा। अच्छा मैं वो नहीं कह रहा कि तुम मतलब जंगल आके कोई गलत काम कर रहे हो, वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ। बट डिपेंड करता है ओवर योर सेल्फ, तुम ऐसे कैसे कंट्रोल करो। यहाँ पर आपको कुछ गलत करने की ज़रूरत नहीं, मेरी तो रिकमेंडेशन ये है, फील द नेचर भाई। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो फ्रेशनेस है ना भाई, वो कहीं नहीं मिलती, लिटरली कहीं नहीं मिलने वाली। जो फ्रेश एयर यहाँ पे कंटिन्यूसली चली होती है ना, और कंटिन्यूसली बर्ड सर्व कर रहे होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता। ये आवाज़ है, ये चर्पिंग, इस ठंडी हवा और इस चर्पिंग को सुनने के लिए मैं आता हूँ। बाकी आने का कोई गलत मोटिव नहीं है, ये होता है ये। बाकी आप कहीं नहीं फील कर सकते हो, इतनी ज़्यादा डेंस लोगों की पॉपुलेशन में आप फील नहीं कर सकते हो बस इस एक्सेट्रा में, ये आपको यहीं पे आना पड़ेगा। कि ये देखिए एक नन्ना दोस्त मिला है यहाँ पर, ये भी फॉरेस्ट से गुजर रहा है। हाय हाय दोस्त, कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ, कुछ पार्ट से वॉइस ओवर होगा क्योंकि यू नो मैनेजमेंट की इतने बुरे हाल है, मैं क्या बताऊँ। कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे पास 2 किलो ओपीएम पकड़ाओ, मैं अंदर आराम से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, इतनी गारंटी दे रहा हूँ। व्यू भाई व्यू चेक करो, कॉलेज आने का तो मन भी नहीं कर रहा लिटरली। मामा तो चेकिंग भी नहीं हुई, 2 किलो की 5 किलो ही ले आता। बाकी ये देखो कैंपस एंटर कर चुका हूँ, ये अरले वाला गेट एक अरले वाला है, वहाँ पर करते हैं नाम की चेकिंग पूरी पूरी, यहाँ तो बंदा करता ही नहीं है। बोलती नहीं मैं रही हूँ। यस मैम, जय हिंद मैम।
ठीक है समरिया। तो क्लास से फ्री होने के बाद हमें लाइब्रेरी की तरफ जाना था, वहाँ पर हमें आइडेंटिटी कार्ड कलेक्ट करने थे। तो ये कुछ शॉर्ट है लाइब्रेरी के रास्ते की तरफ, कहाँ से लाइब्रेरी को जाते हैं। अब इस हैप्टिक वाली डे के बाद कैंटीन जाना तो मस्त था, तो वहाँ पर मैं चाय पीने गया। तो मतलब कैंटीन के जो रेट्स है वो प्रॉपर है, वैसे देखा जाए तो चाय 7 रुपए की है, कॉफ़ी 13 रुपीज़ की है, समोसा 8 का, ब्रेड पकौड़े में भी 8 का, हाफ प्लेट चावल दाल 25। रेट्स तो पूरे अच्छे हैं, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है, मनमानी नहीं करते वहाँ पर, सो दे आर गुड और क्वालिटी भी अच्छी है, तो बुरा नहीं बोलेंगे। अनाज है, अनाज की तो इज्जत करेंगे, तो जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा अवेलेबिलिटी है। चलो जो भी है ठीक है, इट्स ओके। बढ़िया है माज। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वो जो फेयरवेल टीज होती है, सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट वो करना मत भूलना, अगर अच्छा लगे, फोर्स नहीं कर रहा। और अगर किसी रिकमेंडेशन की ज़रूरत हो मुझे तो दे सकते हैं, कमेंट्स ओपन है, इंस्टा पर भी मुझे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फॉलो लिंक है, वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं फॉलो भी, और कोई रिकमेंडेशन देनी हो। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं आपसे कुछ दिनों बाद एक और ब्लॉग के साथ, कुछ और क्रिंज कंटेंट के साथ। जय माता दी, थैंक यू। शट डाउन।